एक ये दूध बेचाओगे? अरे यार दूध, भैया भैया ये दूध बेचाना है। तुम खुद शहर जाके अपना दूध बेच दो ना। मैं मौका, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। Oh no. What happened? This vacation is costing us $1 million in lost opportunities. Look. Come on, Dad. Type in your IIFL trading password. Done. How? IIFL's mobile trading app. Trade online, offline, anytime, anywhere. बजाज आलियांज देश की नामी इंश्योरेंस कंपनियों में से एक। बजाज आलियांज का मकसद है रिलेशनशिप बियॉन्ड इंश्योरेंस। बजाज आलियांज ने लोगों को वादे के मुताबिक उनका क्लेम देकर उनका विश्वास जीता है। शायद यही वजह है कि पिछले 14 साल से ये कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में एक भरोसेमंद नाम है। आज हम बात करेंगे बजाज आलियांज के MD और CEO तपन सिंघल से और जानेंगे कंपनी की कामयाबी का राज। नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मनोज दारा और आज हमारे साथ स्पेशल इंटरेक्शन में है बजाज आलियांज के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO श्री तपन सिंघल। तपन, वेलकम टू जी बिजनेस। थैंक यू मनोज। आपका कस्टमर सर्विस से जो आपका जो सफर शुरुआत हुई थी और ट्रांसफॉर्मेशन तक का ये सफर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो मार्केट पर हमें याद है उस समय मोटर का जब क्लेम हुआ करता था जी, एक व्यक्ति को कम से कम 3-4 महीने लगते थे। जहाँ से पॉलिसी ली है क्लेम वहाँ पर जाता था, सर्वे डिप्यूट होता था, उसके बाद जो पार्ट्स बदलते थे उसके सैलवेज लेके उस व्यक्ति को दफ्तर जाना पड़ता था जी। अभी सैलवेज ठीक हुआ करते थे, उसके बाद जाए कहीं से क्लेम चेक की उम्मीद होती थी। 3-4 महीने का एक लंबा अर्जा होता था। साल की बात कर रहे हैं 2001 जी। तो आप देखें 2099 में अगर किसी का मोटर क्लेम हुआ होगा तो उसको इतना एक लंबा प्रोसीजर था। हालांकि इतने प्लेयर्स भी नहीं थे वो टाइम पे जी, उस समय गवर्नमेंट कंपनियाँ थी। एंड टू बी फेयर वो अपना एक रीच था, एक दरिया था। तो वेन वी एंटर्ड इन May 2001 वी सॉ दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। तो हमने जो काम किया वो ये किया कि जो मोटर डीलर या वर्कशॉप्स थे उनको ऑथराइज किया। वी टॉट देम हाउ टू सेटल क्लेम्स एंड लुक एट इट एंड स्टार्टेड डूइंग कैशलेस सर्विसेज। तो फिर अचानक 3-4 महीने से 0 time क्लेम सेटलमेंट हो गया। ओके, एक व्यक्ति एक डीलर नेटवर्क में जा सकता था, अपनी गाड़ी बनवा लेता था, जितना क्लेम का पैसा बनता था वो हम सीधा डीलर को पे करते थे या वर्कशॉप पे करते थे, उसको देना ही नहीं था। जब देना नहीं था तो उसको ये सब प्रोसीजर की उसमें पढ़ा ही नहीं, एंड दैट ट्रांसफॉर्म द इंडस्ट्री कम्प्लीटली। तो आपका कहने का मतलब है कि जो ये 3 महीने का जो क्लेम सेटलमेंट टाइम था आपके आने से वो 0 time पे कन्वर्ट हो गया। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी थी हमने देखा। और वहीं से फिर एक ये दौर और एक सोच शुरू हुई कि कस्टमर के लिए ऐसा क्या करें जो उसका एक पूरा एक्सपीरियंस एनहेंस करे। And that brought in the industry this race to, you know, help the customers. And if I look back, I've been lucky. I have worked before 2001 in a government company and after 2001 in a startup and now one of the leading private insurance companies of India. I've seen how from a customer perspective the industry has transformed. So that makes me feel happy and proud. आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही और आपको ऐसे ऐसे आपकी स्टोरी देख के या सुन के ऐसा लगता है कि काफी मेहनत आपने की होगी। टेक्नोलॉजी पर आपने कितना ध्यान दिया और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन से लेवल का आपको अडेयर करना पड़ा था? आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बेसिक पर्पस या एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस तब हो सकता है जब ट्रांसपेरेंसी हो सिस्टम में और जो चीज़ आप कह रहे हैं कर रहे हैं वो सब एक साथ अलाइंट हो। जो आपका स्टाफ समझ रहा है आप कर रहे हो या आपके स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स या कस्टमर समझ रहा है आप उस चीज़ पे खड़े उतर रहे हो। आई थिंक तो ये फिलॉसफी हमारी कंपनी बहुत क्लियर रही है शुरू से। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन कंपनी। Anybody can have a look at what you are doing. हमको याद है बहुत पहले हमने कितना क्लेम सेटल कर रहे हैं, कितना नो क्लेम हुए, कितना ग्रीवियांस में गए, कितना कंज्यूमर फोरम में गए, वो पब्लिश शुरू करना किया था। किसी और ने इस इंडस्ट्री में इतना डेटा पब्लिश नहीं किया बिकॉज वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी एंड बींग ओपन टू राइट पीपल। राइट, जो दूसरा आपने सवाल पूछा था वो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी आई थिंक आई कैन टेक अ लॉट ऑफ क्रेडिट फ्रॉम अ कंपनी परस्पेक्टिव बट इज नॉट फेयर। अगर आप खुद सोचें 10-15 साल में टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में ना इस कम लाइक अ स्टॉर्म
and the people who are not adhering to it, not using it well, are getting left behind. So every company has the need to do that. I think we also went and did it pretty well and pretty early. क्योंकि अब हम लोग की जो claim settlement है, it is very seamless, it's paperless now. No, it moves on the tablet, it moves on the technology. Customer service भी है, policy issuance भी है. पहले वो typewriter का जमाना था जब बैठ के ना पॉलिसियाँ टाइप होती थी और कुछ करेक्शन ऑफिस ही होती थी. अब आई थिंक किसी भी कंपनी में अब ये तो है नहीं क्योंकि टाइपराइटर इस्तेमाल कर रहा है. इट्स राइट ऑनलाइन नो एट द टाइम यू टेक द पॉलिसी. सर्विसेज की अगर हम बात करें तो बजाज आलियंस ने कौन कौन से ऐसे इनोवेटिव सर्विसेज मार्केट में लेके आए आपके हिसाब से? हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट? जो एक आम आदमी उसके लिए दो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जिस पे वो फोकस करता है. ये 80% आप देखें इंडस्ट्री का ऑटोमोबाइल और हेल्थ. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स नो 80% इंडस्ट्रीज बिजनेस. तो ऑटोमोबाइल जैसा बताया हमने कैशलेस शुरुआत की थी. हेल्थ में भी 2003-2004 में हम लोगों ने अपना खुद के डॉक्टर्स रिक्रूट किए, खुद के टेलीकॉलर्स सेटअप किए और कैशलेस हॉस्पिटल स्टार्ट किया. तो जब एक व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, अचानक कोई इमरजेंसी आती है, तो सबसे बड़ी समस्या उसके पास होती है कि हॉस्पिटल कहते हैं पैसा लाओ, इतना लाओगे तब जाकर ऑपरेशन होगा. वो कहाँ से उस समय लेके आए जी? तो हम लोगों ने ये फैसिलिटी लेके आए कि हम लोग हॉस्पिटल गारंटी किए कि इसके लिए इतना पैसा हम दे देंगे, आप उसका इलाज करिए. आई थिंक उसे क्वालिटी ऑफ हेल्थ इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट वेंट अप इन द कंट्री कंसिडरेबली. सो काफ़ी ग्राउंड लेवल पे आपने मेहनत की है. एग्जैक्टली जी. अभी जो हमारा एक सबसे बड़ा फोकस ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए बिना कागज़ के अगर हम पॉलिसी इशू कर पाएँ और बिना कागज़ के क्लेम सेल कर पाएँ और एज अ कस्टमर आपके दरवाजे पे काम कर सके, आई थिंक देन वी हैव टेकन टू द नेक्स्ट स्टेप. बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने आज इंश्योरेंस की हर कैटेगरी में परचम लहराया है. कस्टमर्स की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसीज डिजाइन की हैं. यही वजह है कि आज बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस अपने कस्टमर्स का फेवरेट बन गया है. बजाज आलियांज के लगातार बढ़ रहे कस्टमर्स लोगों की कंपनी पर बढ़ रहे भरोसे का प्रतीक है. मूविंग ऑन, आपकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड इंश्योरेंस. तो ये ख्याल कैसे आया आपको? एक जो हमारी समझ में आया कि आई थिंक हर कंपनी का एक फोकस ऑब्सेशन था कि क्लेम और कितना जल्दी दे. तो जब 4 महीने से ना जीरो टाइम पे आए या एक दिन पे आए तो वो अच्छा हुआ. फिर घंटों में आ गए, सेकेंडों में आ गए. देन वी केम आउट विद 24/7 सर्विस जहाँ हमारे वुमेन कस्टमर किसी फ़ोन करें, अपनी गाड़ी में बैठे रहें तो कोई व्यक्ति आके उन्हें टायर बदल देगा. अगर मान लीजिए पार्किंग लॉट में बैटरी कॉन्क आउट हो गई तो कोई आके वापस चार्ज कर गाड़ी शुरू कर देगा, या पेट्रोल रन आउट हो गया. तो दैट वॉज देयर टू टेक आउट द फियर फ्रॉम द लेडीज माइंड इन टर्म्स ऑफ द ड्राइविंग एक्सपीरियंस. पैन इंडिया आपने इम्प्लीमेंट किया है पूरे जगह पे. उसी तरह जब हमने अपने होम इंश्योरेंस देखा तो हमने रियलाइज किया कि अगर होम इंश्योरेंस में टिपिकल प्रॉब्लम क्या होती है, घर फ्लैट लिया आपने, मान लीजिए 1 करोड़ का फ्लैट लिया और डैमेज हो गया, तो कंपनियां आपको उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देंगी, यानी कुछ 30-40 लाख रुपए मिल गया, उसमें वो दोबारा फ्लैट नहीं मिलेगा. या आपका आपने मोबाइल लिया या लैपटॉप लिया जिसकी शेल्फ लाइफ 2-3 साल होती है, अगर 2 साल में ख़राब हो गया तो आपको जो पैसे मिलेंगे 25% या 30% ओरिजिनल को मिलेगा, उससे भी कम. अब एज अ कंज्यूमर आपने तो जब पॉलिसी लिया आपने सोचा कि शुड बी कवर्ड, राइट, एंड दैट वाज अ ह्यूज फ्रस्ट्रेशन. तो हमने ये प्रोडक्ट में वापस रीडिजाइनिंग की. ओके, कि होम की जो वैल्यू है, अगर 1 करोड़ का मकान आपका है और डैमेज होता है आपको पूरा 1 करोड़ देते हैं, अगर मोबाइल डैमेज होता है ओल्ड फॉर न्यू आपको नया देते हैं. हमें आम आदमी की तरफ देखना है, ऐसा प्रोसेस बनाना है कि उन चोरों चकरों को तकलीफ ना हो. एंड दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच वी डिड इन टेकिंग ऑन दिस होम इंश्योरेंस व्हिच आई एम ग्रेट थॉट सर, ग्रेट थॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर दैट. ऐसी थिंकिंग रखना और ऐसे थिंकिंग को इंप्लीमेंट करना इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट. वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद एक खास बातचीत जारी रहेगी. शहर जा रहे हो? हाँ. ये दूध बेचाओगे? अरे यार दो. भाया, ओ भाया, भाया ये दूध बेचाना. तुम खुद शहर जाके अपना दूध बेच दो ना. मैं मौका हूं, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना.
पिछले 20 सालों में भारत के 170,000 गांव में मौजूद ऐसे अनगिनत मौकों को महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना है। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। Oh no! What happened? This vacation is costing us $1,000,000 in lost opportunities. Look. Come on, Dad. Tap in your IIFL trading password. Done. How? IIFL's mobile trading app. Trade online, offline, anytime, anywhere. Bhaiya, ek, ye doodh bechaoge? Arey yaar, doodh. Bhaiya, 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 ye doodh bechana. Tum khud shehar jaake apna doodh bech do na. मैं मौका, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास बातचीत बजाज आलियंस के एमडी एंड सीईओ तपन सिंघल के साथ। मूविंग ऑन, अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर एनी बिजनेस। जी, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आप कैसे काम करते हैं? तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मुझे उस लेवल पर लेके जाना है कि खाली क्लेम के लिए नहीं है, उसकी जो चिंता, जो उसकी समस्या है उसको सॉल्व करना है। जी, एंड दैट इज वेयर द रिलेशनशिप बियॉन्ड इंश्योरेंस टैगलाइन हमारा ना फिट होता है। दैट इज अवर एम नाउ, टू टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस हमेशा बेहतर सर्विस का वादा करता है, तभी तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के आज लाखों संतुष्ट कस्टमर्स हैं। रिलेशनशिप बियॉन्ड इंश्योरेंस, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस इसे कंपनी की टैगलाइन नहीं अपना कर्तव्य मानती है। कौन कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं जो आपको लगते हैं कि इसको रेक्टिफाई कर दिया तो थोड़ा सा लाइफ इजी हो जाएगा? सबसे बड़ी कंसर्न एक है कि एक आम जनता का ये सोच है कि बीमा कंपनियां जो है ना, वो बीमा तो ले लेती हैं बट क्लेम नहीं पे करती। जी, एक अवेयरनेस का इशू है, जबकि सच्चाई यह है, आप पूरी इंडस्ट्री को देखें, अगर 100 रुपये लेती है इंडस्ट्री तो 116 रुपये इंडस्ट्री के टोटल खर्च है। तो इंडस्ट्री क्लेम बहुत देती है और आई थिंक नो एवरी कंपनी ट्राइज देयर बेस्ट टू पे क्लेम, बट एक ये सोच है, उसके कारण पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडिया इज वेरी वेरी लो, इट्स अबाउट 0.8% ऑफ GDP, विच इज जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं जी। उसके हिसाब से आप देखें तो आई थिंक वी आर जस्ट बेटर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इट इज दैट बैड। इवन चाइना वुड बी नो अबाउट 2.5 times आवर पेनिट्रेशन। तो सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस जी। दूसरी बात है डिस्ट्रीब्यूशन। देख, डिस्ट्रीब्यूशन जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बहुत ही वीक है। भारत में 7,000 टाउन है, लाखों गाँव हैं और सबसे बड़ी कंपनी के भी बस 3,000 ही ब्रांचेस। तो वी आर नॉट देयर फॉर आवर कस्टमर्स एट द पॉइंट ऑफ नीड, सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि जो प्राइसिंग है इंडस्ट्री का, हमने बताया आपको 100 रुपये अगर लेती है तो 116 रुपये उसके खर्च है, ये प्राइसिंग रॉन्ग है जी। जब भी एक इंडस्ट्री प्रॉफिट नहीं करेगी तो कस्टमर सर्विस सफ़र करेगा जी। नो, ये मेरा मानना है। तो प्राइसिंग प्रोडक्ट्स के करेक्ट होना चाहिए जी। ये अंडरकट करके बिजनेस करना, कस्टमर को तकलीफ पहुंचाना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री का। तो अगर ये दो चीज़ करेक्ट हो जाए तो आप मानते हैं कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, कस्टमर को एजुकेट करने की ज़रूरत है। मूविंग ऑन, अगर हम एरियाज़ की अगर हम बात करें जो बजाज आलियंस ऑपरेट करता है, तो कौन कौन से एरियाज़ पे आप फोकस कर रहे हैं और कौन कौन से फोकस रहने वाले हैं एरियाज़? एक तो हमारा ये दो बेसिक सपना है, विजन है के लिए कि वी शुड बी एटलीस्ट कवरिंग एवरी टाउन इन इंडिया। अब एवरी टाउन इन इंडिया कवर करने के लिए एक अभी एडवांटेज हमारे पास ये है कि जो सरकार बात कर रही है डिजिटलाइजेशन इंडिया करने की या 4G सब जगह लेके आने के लिए, अगर आप सोचें तो इतना पावरफुल मीडियम आ जाता है कि आपको दफ्तर की जरूरत नहीं सर्विस करने के लिए। एक व्यक्ति को पॉलिसी देना है या क्लेम सेटलमेंट करना है, आप ऑन द स्पॉट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो उसको यूज़ करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैन रीच आउट टू ऑल, फर्स्ट द टाउन्स एंड देन द विलेजेस ऑफ इंडिया। और ये जानने खुशी होगी आपको कि हमने 300-400 ऐसे ऑफिस खोले हैं बिना ब्रेक एंड मॉर्टर के, एट्स अ सक्सेस। उम्मीद ये है कि आई शुड बी एबल टू नो रीच आउट, जो आपसे कहा एक समस्या है अपनी रीच आउट की। और दूसरी जो चीज़ हमने आपसे कहा है कि प्राइसिंग के बारे में नो, और कस्टमर को जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप देखें जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में कोई कस्टमर है, उसको अगर हेल्थ या कोई बीमारी हुई तो वो चाहेगा कलकत्ता जाए कम से कम ना, अच्छा अस्पताल में जाए जी। लेकिन उसके जाने का प्रोसेस ही इतना कम्बरसम है, इतना महंगा है कि क्या हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं जैसे एक व्यक्ति को ना
अच्छा ट्रीटमेंट के लिए उसको हिचकना ना पड़े. तो ये सब चीज़ काफ़ी अभी कुछ करने को है एंड आई एम श्योर वी विल डू क्वाइट अ बिट ऑफ इट. ग्रेट थॉट. अगर हम पेनिट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं और एरियाज ऑफ फोकस की बात कर रहे हैं, होम एंड फायर इंश्योरेंस ये सेगमेंट आप कैसा एक्सप्लेन करना चाहेंगे व्यूअर्स को? और ऑटो सेगमेंट में भी आप, आप आपका काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है, तो आप ये सब प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑटो का अगर आप पढ़ रहे होंगे अभी, जैसे गूगल कार के बारे में ना, ड्राइवरलेस का, या आप जो जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं आप उनका एडवर्टाइजमेंट देखें, सब ये बात करेंगे अपने आप गाड़ी पार्क हो जाएगी या अपने आप चली जाएगी. तो कुछ समय बाद एक बड़ा, आई थिंक 5-10 साल की बात है, एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगा. एक गाड़ी तो आप के पास होगी बट उसको चला आप नहीं रहे हो. अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी या मैन्युफैक्चरर की होगी? तो पूरा ऑटो स्पेस या जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है जिस तरह देखती है वो बदलने वाला है. और अभी किसी को मैं बोलता हूँ ये बात कि ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस में जस्ट डिसअपीयर, इट बिकम अ लायबिलिटी इंश्योरेंस, तो हंसते हैं कि संभव नहीं है. जबकि संभव तो ये है कि जब इंश्योरेंस शुरू हुआ तो मरीन इंश्योरेंस सबसे बड़ा इंश्योरेंस था. आपको याद होगा लॉयड्स का जब हुआ, तब तो ऑटोमोबाइल थी ही नहीं. तो आज मरीन एक बहुत छोटा सेगमेंट रह गया है. तो ऐसे आई थिंक 15-20 साल में ऑटोमोबाइल बिकम वेरी स्मॉल सेगमेंट. वी हैव टू सी अगेन फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव कि उसकी क्या लायबिलिटीज होंगी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी एंड हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म दैट. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन ऑटोमोबाइल स्पेस. और फायर और होम में जो चैलेंज है, हमने जैसे बताया कि इतने सारे नियम बनाए हुए. एक साधारण बीमा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम लोग पॉलिसी लेते हैं, आई थिंक इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड वी आर द ओनली पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री वेयर वी डोंट रिक्वायर एनी KYC. तो कोई भी कस्टमर जहाँ पास आता है तो उसे KYC जरूरत नहीं है. वी टेक ऑल कस्टमर्स. एक क्लेम हो जाता है तब उसको एक ठग की तरह शुरू करते हैं ना, उसको क्वेश्चनिंग करना, ग्रिलिंग करना. कस्टमर का क्लेम हुआ है देन वी शुड पे. इंश्योरेंस सेक्टर का एक भरोसेमंद नाम बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस अपने कस्टमर्स की जरूरतों को बखूबी समझता है. यही वजह है कि अपने कस्टमर्स की जरूरतों के लिए कंपनी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप अपनी बीमा से जुड़ी किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं. इस एप्लीकेशन के जरिए कस्टमर कभी भी कहीं भी अपनी पॉलिसी से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकते हैं. इतना ही नहीं, इस ऐप से आप अपना बीमा भी करा सकते हैं. नई सोच और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आज बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस लाखों लोगों की पहली पसंद बन गया है. कस्टमर सेंट्रिक आपने एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, बजाज आलियांज इंश्योरेंस वॉलेट. तो आप ये ऐप को कैसा एक्सप्लेन करते हैं और इसका इसके फायदे क्या हैं? मतलब ये कि चाहे पॉलिसी हो चाहे क्लेम हो, स्टेटस क्या है पॉलिसी या क्लेम का, स्टेटस क्या है या आपके पैसे ट्रांसफर कैसे हुआ है या क्या, आपको कोई भी चीज़ जाननी है एक बीमा कंपनी के बारे में, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कस्टमर्स को इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए. अगर हम जैसे आपने कहा कि ये एक बहुत ही एक अच्छा ऐप है और इससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक कस्टमर को मिल सकते हैं एक सिंगल क्लिक से. मूविंग ऑन, अगर हम कंपनी का फाइनेंशियल पे अगर हम बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम लास्ट 5-4 years. आई एम वेरी हैप्पी टू से अगर आप लास्ट रिजल्ट देखें तो हम कम से कम इंडस्ट्री से 60% ऊपर ग्रो किए इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड बिग कंपनी. और हाँ, प्रॉफिट भी आई थिंक वी वुड बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ द कंबाइंड रेशियो इज लेस देन 100. एंड दैट इज वाई अगर आप देखें जो हमारा फोकस कस्टमर पे है कितना हाई है. आई थिंक बिकॉज वी रन द बिजनेस वेल वी आर एबल टू सर्व अ कस्टमर वेल एंड दिस इज अ फिलॉसफी दैट वी शैल कंटिन्यू टेकिंग इट फॉरवर्ड ऑन दिस लाइंस. ग्रेट थॉट. मूविंग ऑन, अगर हम डी टैरिफिंग की अगर हम बात करें तो ये कितना सीरियस इशू है आपकी कंपनी के लिए और आप उसको कैसा डील करना चाहेंगे? 2007 के आसपास डी टैरिफिंग हुआ, जब फ्री प्राइसिंग हुई, उसके पहले प्राइस वॉज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट या रेगुलेशंस के थ्रू कंट्रोल था प्राइस. और फिर बिकॉज ऑफ अ गुड मार्केट इकोनॉमी इट वॉज फ्रीडम. दुनिया में बहुत जगह ऐसा हुआ है बट नॉर्मली 2-3 साल तक प्राइस गिरता है, फिर इंडस्ट्री रियलाइज करता है कि सस्टेनेबल नहीं है और फिर प्राइस ऊपर मूव करता है. भारत में आप देखें 2007-08 से अभी तक ना 7-8 साल हो गए हैं बट सेल्फ करेक्शन नहीं हुआ. अभी भी इंडस्ट्री ओवरऑल मनी लूज करती है, अनराइटिंग लॉस रहता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर कस्टमर्स. ऑलराइट, ग्रेट थॉट सर. और आपने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और आपने टेक्नोलॉजी की भी बात कही. मैं ये जानना चाहूँगा कि बजाज आलियांज का 5 years down the line का विजन क्या है? सिंपल है, हर टाउन में पहुँचना, हर गाँव में पहुँचना, कम से कम 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, किसी भी कस्टमर का कोई हादसा हो उसकी जगह पे उसके पास खड़ा रहना,
कि उसके आंसू हम पोंछ सके, उसको वापस अपने पैरों पर खड़ा कर सके। इतना कर लिया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बिजनेस से बात करने को और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये दूध बेचोगे? अरे यार दूध, भैया भैया ये दूध बेचाना है। तुम खुद शहर जाके अपना दूध बेच दो ना। मैं मौका, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। Oh no, what happened? This vacation is costing us $1 million in lost opportunities. Look, come on dad. Tap in your IIFL trading password. Done. How? IIFL's mobile trading app. Trade online, offline, anytime, anywhere.